अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया और आपको आइडिया हो गया कि व्हाट इज़ द रीज़न हमने ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। इट्स नॉट अबाउट कैचिंग द व्यूज़ और इट्स नॉट अबाउट कि हमने कोई इस वीडियो को वायरल करना है या किसी को टारगेटेड पॉइंट आउट करना है। दैट इज़ नॉट द रीज़न बिहाइंड दिस, बट वन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ येस टू रजिस्टर दिस पॉइंट कि आप एक स्विमर हैं, आप एक अच्छी बेस की सब्सक्राइबर बेस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे बैठे हुए हैं एंड यूथ आपको देख रही है या नए प्लेयर्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं, यूथ देख रही है आपको। आप इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के किस किस्म के मैसेजेस जो है वो अपनी यूथ को दे रहे हैं या उनको क्या लेसन्स दे रहे हैं, उनको क्या लर्निंग्स दे रहे हैं कि किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए, या आपको कोई मार जाता है तो आप उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। भाई अब आप इट्स अ गेम, अल्टीमेटली गेमिंग या स्ट्रीमिंग का मकसद ये होना चाहिए कि यार ठीक है दैट इज़ टू एंटरटेन, बट इस तरीके से आप एंटरटेन अगर कर रहे हैं आवाम को तो दैट इज़ वेरी बैड। सो हमारी ये FM नासिर जो है उसके साथ ऑटो मैचिंग हो जाती है एक मैच के अंदर और उनकी डिफरेंट जो स्क्वाड होती है जो उनके साथ खेल रही होती है, सो उस पे हमारी इवेंट के ऊपर पहले जो हमारी स्क्वाड है GM ऑफिशियल वो उनको रेस्ट इन पीस करके भेज देती है जहाज़ में वापस, और उसके बाद दूसरे पॉइंट पे दोबारा हमारा जो है उनके साथ फाइट जो है वो होती है, दोबारा होती है, और उस पे FM नासिर साहब जो एक यूट्यूबर हैं माशाल्लाह 2.5 लाख सब्सक्राइबर बेस के साथ वो किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपको कोई मार के जा रहा है तो आप उसको गाली देंगे तो दैट इज़ वेरी बैड, जो कि एक यूट्यूबर एक स्विमर को सूट नहीं करता। और यस ऑब्वियसली वन ऑफ द मेंबर फ्रॉम माय स्क्वाड उसने भी ये सुना तो उसने भी आगे से फिर जवाब दिया, आप गाली देंगे तो आपको जवाब में गाली मिलेगी, गुलदस्ता तो मिलेगा नहीं, ठीक है। सो अब आप उसके जवाब में फिर किसी की माँ बहन को गाली दें तो ये एक स्ट्रीमर को जेब नहीं देता, शर्म आनी चाहिए आपको कि आप लाइव स्ट्रीम पर बैठ के इस किस्म की बात करते हैं और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया। आपके अपने एक सब्सक्राइबर आपकी चैट में कमेंट करते हैं कि ये किस किस्म की हरकत आप कर रहे हैं, तो आप आगे से कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब, मैंने तो कुछ नहीं कहा, जब उन्होंने कहा तो मैंने जवाब दिया। आप इस रूल को मानते हैं कि जब उसने कहा तो मैंने जवाब दिया, ये ठीक है, तो जब आप शुरू करेंगे तो आपको आगे से फूलों का हार कोई नहीं पहनाएगा, नासिर साहब आपको आगे से जवाब ही मिलेगा, ठीक है। सो व्यूअर्स इस वीडियो को देखें और इसका मकसद सिर्फ ये अवेयरनेस है और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर एक स्ट्रीमर एक यूट्यूबर को कोई प्लेयर मार जाता है मार देता है तो आप उसकी गेम को अप्रिशिएट करें, ना कि आप उसको गालियां निकालना शुरू कर दें। और नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ एक टिप है आपके लिए कि आप जब भी इस स्क्वाड का दोबारा सामना करें सो अपनी गेम शो करने की कोशिश करें एंड ट्राई टू किल दिस स्क्वाड, ठीक है। आप GM स्क्वाड को किल करने की कोशिश करें और अगर मर जाएं तो दोबारा गालियां मत दें। आप हमें मार देंगे दोबारा तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि जी यू प्लेड वेल, ठीक, लेकिन अगर हम ही दोबारा मार देंगे जिसके चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको बर्दाश्त करें, ठीक है। सो लेट्स गो टू द वीडियो, आप वीडियो देखें और अब आप खुद फैसला करें कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग एंड दीज स्ट्रीमर्स शुड दे बी यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज, क्या इनको सूट करता है, जेब देता है कि ये इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ करें। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। नहीं नहीं कल उसने दिया तब विक्की वाले चले दिया था यार अर्दी जड़ी बगारतों कौन सा चैलेंज दिया था 50 के अच्छा जो तो नहीं हुआ फिर मैंने टीम नहीं थी ना तू भी गया ना सब मेरा ना सब मेरा दिमाग आ परफेक्ट सिंह के रखे यार वाए करना परफेक्ट से वो सुबह से भी नहीं किया परफेक्ट से वो बोले है बात बस दूरी लेंड
गाइस लाइक कर देना स्ट्रीम को यार। अच्छा ओके जल्दी आओ शॉप पे, शॉप के पास में ऊपर आओ ब्रेंड, ऊपर आओ जल्दी जल्दी ऊपर आओ, ऊपर टॉप बने डरता कतल में उस्ताद है वो जी मां हेल्प प्रेन हो मजाक गबरू आ रखता रे ईवान की बच्चा तो रेमन वो ब्रेंड बकवास करना कि बंदा ऊपर ही है यार। ओ जिप लाइन पे है ना फिर उस जिप लाइन पे आया तो मैं तुझे कह रहा हूं ऊपर आ, मैं तुझे बचा रहा हूं, बंदा उधर ही है, उधर से कूद गया मुझे पता नहीं था। मेरे नो कोने के पास गबरू मुझे बोल रहा है कि ऊपर आ ऊपर माशाल्लाह सुभानअल्लाह मजा आ गया। मैं कहता हूँ जिंदाबाद मुबशर हो, नेट आएगा यार लाना तो भाई कुत्ते का बच्चा माँ की आंख। इधर आ रहा है मेरे पीछे, अबे यार माँ क्यों मैं ऊपर मार रहा तो चीज लगी कोई नहीं यार। चल पोते दे, चल पोते दे पठान दे। भाई मत करना आपको मैंने कुछ बोला नहीं है, फिर ऐसे नहीं आपको पठान आपकी बाजी को लेके आ जाए और उसको की बगाड़ मार दे फिर। चुप चुप है पैंचो रोला की इतना मचाया है, बंद करो माइक। वो बंद तो वो करना भी म्यूट कर दे। नहीं चूतिये की औलाद है, आगे बंदा नो क्यों हुआ है, दूसरा वन इस पे उस पे रश नहीं कर सकता। मुझे कहते हैं निकल बस, वो डीपीएस वाला आया भाई पता है गबरू, डीपीएस वाला आया क्या बोल रहा है, डीपीएस का नाम याद रखना अब्बू ले। ओ जबरदस्त वो मारना ठीक है ब्रेंड। गबरू झूठ क्यों बोला, एक जोन से नोक था कसम से, चेक करो चेक करो खुद चेक करो। ये लो तीन दे दो भाई, समीर भाई तीन दे दो, इसका मतलब बंदा होगा तू इतना गांडू ना। नासर भाई ये क्या बिहेवियर बना दिया, तो भाई जो जैसा सवाल वैसे ही जवाब फिर मिलेगा उसके बाद। हालत है ना, मैंने कुछ बोला नहीं तो वो क्यों बोल रहे, वजह लाना तो भाई कुत्ते का बच्चा माँ की आंख, लाना तो भाई कुत्ते का बच्चा माँ की आंख। इधर आ रहा है मेरे पीछे,
अबे यार माँ, क्योंकि मैं ऊपर मार रहा था चीज लेके। जी भाई, अब आप कहते हैं जैसा सवाल वैसा जवाब, तो नासिर साहब जैसा सवाल वैसा ही जवाब। आप गाली देंगे, आपको बदले में गाली मिलेगी। हम होंगे या कोई भी होगा, इस वक्त किसी को भी गाली देंगे तो आपको आगे से जवाब में गाली मिलेगी। सो रिक्वेस्ट सिर्फ ये है आप सबसे कि भाई जब आप लाइव स्ट्रीम पे बैठे हैं और कोई बंदा या कोई स्क्वाड आपको मार देती है, बर्दाश्त करें, आगे से गालियां मत दें। राइट व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिए और अल्लाह हिदायत दे इन सबको, हम यही बोल सकते हैं। थैंक यू।